Hi friend, this is Amit Ahuja. Welcome to a new video. Welcome to Thinkar Academy, powered by STS, High Tech Scan Tools, Shahbaz Bhai और Antaab Bhai की company. और बात ये है friends कि हम लोग as a team, हम लोग ये हमारी ये कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छे product आप लोगों के पास लाए जाएं और हाईएस्ट क्वालिटी के लाए जाएं और उसका मैं आपको आज एक नमूना दे रहा हूँ. और बात यह है कि वीडियो से पहले दो शेर आप सुन लें. किसी शायर ने कहा है, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है. नंबर वन. और नंबर टू, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर दस्तूर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है. अब ये दोनों शेर आने वाले टाइम में आपको खुद पता लग जाएंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ. 2022 खत्म हो गया. एक हमारे मित्र ने कहा था कि 2022 खत्म हो गया, जाने से पहले ये आखिरी मंथ है, जो कहना है कह जाओ. वेल, जो पहला शेर है वो आप ही के ऊपर है. जो आप लोगों ने कोशिश की वो आपकी नाकाम हो गई. बेटर लक नेक्स्ट टाइम, 2023 में दोबारा ट्राई कीजिएगा. इससे ज्यादा मैं कुछ बोलता नहीं. बट एनीवे फ्रेंड्स, आज जो ये टूल है, टूल इन क्वेश्चन, इसका मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूं. और ये टूल है टॉप डायग P100 प्रो. और इस टूल में, और जो भाई साहब ने टूल मंगाया था जिसका मैं पहले भी रिव्यू कर चुका हूं, उस टूल में, इस टूल में जमीन आसमान का फर्क है. और ये जब मैंने शहबाज भाई से पूछा तो ये पता लगा कि साहब चाइना एक ऐसी कंट्री है, और वो शायद हम जानते भी हैं, कि एक ही डब्बे में, एक ही चीज में आप अगर उन्हें कहेंगे कि साहब ये चीज हमें सस्ती कर दो, तो वो कहीं पर भी आपका क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करके आपको सस्ती दे देंगे. जो वो वाला टॉप डायग था जो एसके एंटरप्राइजेस ने मंगाया, या वो जिसने भी, मतलब सुनील कुमार जी ने मंगाया, और वो बड़ा ही अनाप शनाप रेटों पे बेचा भी गया. पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ. बट एनी विच वे, वो जो टूल है और ये जो टूल है जो आया है, वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस. सो सबसे पहले, क्योंकि वो वीडियो मैं लिंक में डाल दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों भाइयों ने खरीदा, और जिन्होंने खरीदा उसमें से 50% की कंप्लेंट रही है कि वो स्टेबल नहीं है टूल, और वो मैंने भी एक्सपीरियंस किया था. बट ये देखिए, द फर्स्ट थिंग इज, जब मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, और ये है ना जी, वी हैव टॉप डायग, जे डायग, राइट. जैसे ही आप इसे खोलते हो, द फर्स्ट थिंग, अगर आप मैनुअली देखते हो इसका, यू नो, जो पूरा ये मैनुअल है, एंड ये अगर आप खरीदेंगे तो आपको पता लगेगा, जो इसकी लीड है, और वो जो पहले मैंने टूल रिव्यू किया था, और इसके जो क्लैंप्स हैं, और जो पहले मैंने टूल रिव्यू किया था, ये मैं आपको, मेरे एक मित्र के पास टूल मैंने दिया है, वेइंग स्केल पे डाल के मैं आपको दिखा दूंगा कि वो टूल क्या है, मतलब क्वालिटी क्या है और ये क्या है. और इत्तफाकन ये है कि ये जो लोग बोलते रहते हैं कि साहब हम आप पे, यू नो, हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने टेक्नीशियन भाइयों के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, जी जान दे रहे हैं. बकवास. सब बिजनेस कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं. बात यह है, आपकी तरक्की में हमारी तरक्की है. अगर हम आपको अच्छी क्वालिटी देंगे, अच्छी सर्विस देंगे, तो आप हमारे परमानेंट कस्टमर बने रहेंगे. अगर हम मीठी मीठी बातों से ये जुमले खिलाते रहेंगे या जुमले हिलाते रहेंगे, इससे कुछ होना नहीं है. बेसिकली फ्रेंड्स, बात यह है, पहले भी मैंने कवर किया था कि ये जो टूल्स हैं, ये पावर प्रोब और ये मोटर, ये मोटर टूल के उसमें, मतलब इनको दोनों को कंबाइन करके ये टूल बने हैं.
और बात यह है पावर प्रो 4 ये जो है ये करीबन 500 डॉलर का है पूरी किट, और ये जो टूल है ये 200 डॉलर का है। तो बेसिकली क्या है कि इतने महंगे टूल पड़ जाते हैं कि कोई भी एक नॉर्मल टेक्नीशियन चाहे वो वर्ल्ड में कहीं पे भी हो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन लोगों ने चाइनीज ने इन लोगों की ये खासियत है कि ये कहीं से भी कोई भी टेक्नोलॉजी को हैक वैक ब्रेक ब्रू करके इन्होंने ये टूल निकाला है। और हमारे को यार लास्ट में हमारे को अपने काम से मतलब है, हमारे को ये है कि एक अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट चाहिए एंड दैट इज हाउ इट इज। और बात ये है जस्ट फॉर दी रेफरेंस, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियो डाली हैं टेक्नीशियन भाइयों ने, मेरे ख्याल से हर एक ने ही जिसको सुनील ने ये टूल भेजा है सबने ही वीडियो डाली है, मैंने भी डाली है। बट ये है कि ये वाले टूल की मैं आपको लेट मी शो इट टू यू कि ये क्या करता है। एक तरीके से चेकिंग भी हो जाएगी एंड हम लोग एक तरीके से रिफ्रेश भी हो जाएंगे। सो लेट्स गेट इनटू दिस टूल। और बात ये है ये जो टूल है आप ये ना मानिएगा कि ये ऑल इन वन टूल है, यू नो कि हर चीज यही करेगा, जी नहीं। ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट टेस्टर है, ये एक सेंसर टेस्टर है, ये आपका एक एक्चुएटर टेस्टर है और ये एक्चुएटर को परफॉर्म कर सकता है, ये आपकी सेंसर की सिमुलेशन कर सकता है। तो मतलब बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन जो मेरे ECM रिपेयर करने वाले भाई हैं अगर वो सोचे कि साहब ऐसा है कि यू नो हम मल्टीमीटर को यू नो की जगह ये कर लेंगे देन मदरबोर्ड्स के ऊपर आप आ रहे हैं, नो। ये आपके व्हीकल्स के लिए है, ये 12 वोल्ट और 24 वोल्ट दोनों व्हीकल्स पे काम करता है, बढ़िया स्टेबल टूल है, कोई इसमें परेशानी नहीं है। सो मैं आपको व्हाट आई हैव डन इज मैंने दो गाड़ियों पे हुकअप किया हुआ है जिसमें मैं आपको सेंसर पे मैं आपको एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स आपको मैं कैच करके दिखा दूंगा। ऑब्वियसली ड्यूटी साइकिल फ्रीक्वेंसी ये सब होती रहती हैं, आपको एक्चुएटर जो इंजेक्टर है वो भी उस पर करके दिखा दूंगा और एक आधा बल्ब जला के आपको दिखा दूंगा जिसमें कि हमारा मोमेंट लैच और ये सब कुछ है। एंड लेट्स डू इट स्ट्रेट अवे। तो फ्रेंड्स ये मैंने पावर अप करा है। पावर अप करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, बैटरी पॉजिटिव टू बैटरी पॉजिटिव, नेगेटिव टू नेगेटिव, एंड ये तरीके से आपका मेन्यू खुल जाएगा। तो पहले हम मल्टीमीटर मोड ले लेते हैं, लेट्स टेक दी मल्टीमीटर मोड एंड वी से ओके। तो मैंने ये जो है मास एयरफ्लो सेंसर पे हुकअप किया हुआ है, तो पहले ही मैंने देख लिया है यहाँ पे आपको बैटरी वोल्टेज मिलनी चाहिए। एज यू कैन सी बैटरी वोल्टेज आ रही है, ये यहाँ पे एनालॉग सिग्नल आना चाहिए 1.3 रेव दे दाव छोड़ो। तो जैसे ही आपकी रेस बढ़ती है जो एनालॉग सिग्नल होता है वो बढ़ जाता है। तो क्या हम इसको दूसरी तरीके से देख सकते हैं? यस। अगर मैं इसको ऑसिलोस्कोप में जाऊं एंड आई से ओके, तो मैं अब इसको ये मैंने स्टॉप करा है, इसकी जो वोल्टेज है इसको मैं इंक्रीज करता हूँ 3 वोल्ट 6 वोल्ट, लेट मी सी कि कितनी वोल्टेज तक मैक्सिमम 49 वोल्ट तक ये जाएगा, इनपुट वोल्टेज 49 वोल्ट है। एंड इसको मैं 12 वोल्ट पे ले लेता हूँ या मे बी शुड आई टेक इट टू 16 वोल्ट ओके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, लेट सी कि हमारे को क्या होता है। तो ये आप देखो ये हमारी रेस दे थोड़ी सी, तो दिस इज द एनालॉग बैटरी वोल्टेज है, छोड़ दे। तो अब अगर मेरे को, क्योंकि मेरे जो सिग्नल वोल्टेज है दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी वो 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होगी, सो लेट मी नाउ इसको स्केल डाउन करके मैं 7 वोल्ट या 6 वोल्ट पे ले लेता हूँ 6 वोल्ट, और मैं इसको यहाँ पे हुकअप कर देता हूँ। तो रेव दियो तो ये बेसिकली छोड़ दे। तो बेसिकली ये आपको ऑसिलो में देखना है, तो एनालॉग वोल्टेज ऑसिलो में कोई बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं लगेगा।
बट एस्केप करते हैं, लेट्स गो बैक इनटू द मल्टीमीटर मोड। ओके, ये जो मैंने यहाँ हुकअप किया हुआ है ये डिजिटल सिग्नल है, ये आपका वाइड बैंड ऑक्सीजन सेंसर है और ये हीटर सर्किट है। सो इसको अगर मैं लेट मी सी यहाँ पे डालता हूँ, ये देखो, सो वी आर गेटिंग अ फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज 14.3 एंड ये एंड वो। सो इसको जो है, लेट्स गो बैक और हम बोलते हैं ओके ऑसिलो, हमने स्टॉप करा, इसको हम ले लेते हैं, लेट्स टेक इट टू 12 वोल्ट्स पे ले लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी अब क्या होता है हमारा। एज यू कैन सी माय फ्रेंड, यहाँ पे अगर मैं टच करता हूँ, वी कैन सी अ डिजिटल वोल्टेज। अगर मैं टाइम स्केल को थोड़ा कम करता हूँ तो ये मैंने 12 वोल्ट्स किया, 1 मिली सेकेंड, लेट मी इंक्रीज द टाइम स्केल। इसको मैं 10 मिली सेकेंड्स पे लेता हूँ तो ये देखो, ये डिजिटल सिग्नल है। इसको मैं 20 मिली सेकेंड्स पे लेता हूँ तो दिस इज़ माय डिजिटल सिग्नल। ओके, और अगर मैं इसको 50 मिली सेकेंड्स पे लेता हूँ, ये 50 नहीं है, 5 मिली सेकेंड्स पे आ गया, लेट मी गो बैक टू 20 मिली सेकेंड्स, ये 5। ओके, 20 मिली सेकेंड्स, 20 इसके लिए ठीक है, ये आपका डिजिटल सिग्नल आ गया। अगर मेरे को ये ट्रेस बड़ी करनी है, टाइम स्केल में कम कर दूं, तो दिस इज हाउ इट इज़। तो मेरा डिजिटल सिग्नल ये पकड़ रहा है, राइट। और बेसिकली ये सारी चीज़ों का मकसद ये है कि जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, अगर हमारे को ऊपर का जो स्क्वायर वेव है उसमें वो यू नो डिस्टर्बेंसेस आती हैं, वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। सो बेसिकली दिस इज हाउ इट इज एंड वी कैन स्टॉप इट। मैं आपको कैन सिग्नल चेक करा देता हूँ और उसके बाद इंजेक्टर करा देता हूँ। तो कैन सिग्नल के लिए यार, तो हमें तो फ्रेंड इंजेक्टर पे हुकअप किया हुआ है, दिस इज ऑन द इंजेक्टर, और ये मैं मल्टीमीटर मोड पे ले रहा हूँ एंड लेट अस सी। सो वी आर रीडिंग अबाउट यू नो ये स्विचिंग वोल्टेज हम रीड कर रहे हैं 14, 13 पॉइंट समथिंग। और क्या हम इसको, अगर हम लोग वी वांट टू गो इनटू द हर्ट्स, ओके, ड्यूटी साइकिल एंड फ्रीक्वेंसी, यस, ये आप देखो, वी आर गेटिंग आर फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल, शिफ्टिंग ड्यूटी साइकिल, शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी। और अगर मैं इसको ऑसिलो में देखना चाहूँ तो आई एम श्योर मेरे को ये दिख जाएगा। ओके, तो लेट्स सी क्या इसको मैं, एक तो इनपुट वोल्टेज को मैं बढ़ा दूँ, लेट मी टेक इट टू 49 वोल्ट्स मैक्सिमम जितना है। ओके, एंड लेट अस सी कि क्या आ रहा है। ये देखो, ये इंजेक्टर का है, ये हमारे को, अगर हम लोगों को we want to reduce the time scale, that's fine. ये देखो, so we can get the injector pattern and injector pattern भी हमें मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से जो 5 मिली सेकेंड या 10 मिली सेकेंड है वो ज़्यादा अच्छा है। और अगर मैं वोल्टेज को कम कर देता हूँ, जैसे मैं 16 वोल्ट लेता हूँ, ये देखो, वी आर गेटिंग अ क्लियरर पैटर्न। तो इंजेक्टर का हम लोग वो भी रीड कर सकते हैं कि इंजेक्टर कर रहा है कि नहीं, तो एक्चुएटर टेस्टिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। अगर मेरे को थोड़ा सा टाइम स्केल बढ़ाना है, 10 मिली सेकेंड, 20 मिली सेकेंड में लेता हूँ, तो वी कैन गेट इट। और काम करना है तो वी कैन टेक इट टू 5 मिली सेकेंड,
ये देखो। तो ऑल एंड ऑल ये ना आपको ये काफ़ी चीज़ें ये दिखा देता है, राइट। ड्यूटी साइकिल आप चेक कर सकते हैं, और अब इसका जो मतलब ये तो सारी चीज़ें हैं जो मल्टीमीटर को बंद कर गाड़ी करते हैं। एक्चुएशन ये क्या कर सकता है? एक्चुएशन में हम लोग यहाँ पे जाएंगे एक्टिव टेस्ट पे, ओके। एंड हम लोग मोमेंट को मोमेंट कर सकते हैं। ये सीसी वैल्यू 80 रैम इसने लिया हुआ है, दिखा मेरे को। ये नेगेटिव पे, एक पे नेगेटिव पे लगा। और हम इसको ये देखो, और अगर मैं इसको लैच पे ले जाऊं तो ये जलता रहेगा, और ये इसको मैं अगर पल्स पे ले जाऊं ये पल्सिंग करेगा। वो देखो बल्ब, कैन यू सी। सो इस तरीके से हम कोई भी, और एम्परेज भी ये मुझे बता रहा है, तो देयर इज नो प्रॉब्लम कितनी एम्परेज ये कंज्यूम कर रहा है, वोल्टेज कितनी है, एम्परेज कितनी है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम हमारे को, यू नो, एस्केप इट। और आप कोई भी कंपोनेंट को 18 एम्प तक जो भी चलता है आप उसको कर सकते हो। आप अपनी एम्परेज को सेट भी कर सकते हो 1 एम्प से लेके, अगर आपकी एम्परेज कम होगी एंड कंपोनेंट एम्परेज ज़्यादा खींच रहा है तो वो बोलेगा ओवरलोड, ओके। सो लेट मी सी कि अगर मैं एम्प को, अब ये मैं अगर एम्परेज को लेट से यू नो आई ड्रॉ इट टू 3 एम्प्स लगा इसको, 3 एम्प पे लगाता हूँ तो लेट मी सी ये बल्ब जलता है कि नहीं। तो मैं इसको मोमेंट पे ले जाता हूँ या लैच पे ले जाता हूँ, ये देखो करंट ओवरलोड है, ओके। तो एज यू कैन सी ये देखो, अब इसको ये मेरे को कह रहा है कि ये करंट जो है ये कंपोनेंट ज़्यादा ले रहा है। सो नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़, रुक जा हटा। व्हाट आई नीड टू डू इज़ इसके एम्पेयर को, ये यहाँ पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे एम्पेयर को मैं बढ़ा देता हूँ, लेट मी फिर 6 एम्प ले जाता हूँ। तो अब मैं देखता हूँ कि मोमेंट लैच और लैच पे कर देते हैं। अब देखो देयर इज नो करंट ओवरलोड। सो बेसिकली बहुत अच्छा ये डिवाइस है कि अगर आपको कोई कंपोनेंट है जो करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है तो वो आपको क्लियरली बता देगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस है या व्हाटएवर देयर इज। तो आपको पता है कि अगर आपने कम एम्परेज पे रखा है तो आप इसको थ्रेशहोल्ड पे ले सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट को कितने एम्परेज चाहिए, ओके। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज एक फाइनल टेस्ट में आपको दिखा देता हूँ कैन बस नेटवर्क पे, नेटवर्क कैसे ये चेक करना है। तो ऑल इन ऑल कहने का मतलब ये है कि आपका मल्टीमीटर, आपका पावर प्रोब और आपका मोटर टूल, अगर मैं ये तीनों चीज़ों का एक कॉम्बो लेता हूँ तो ये बेसिकली 60-70 हज़ार रुपये के पड़ते हैं, और ये जो है ये टूल जो है 11 हज़ार रुपये का। और डेफिनेटली जो पहले टूल बेचा गया था उससे लाख दर्जे अच्छे हैं, यू कैन फील इट। टेबल है उसके तो बटन दबाते थे वो इधर का उधर भाग जाता था, और सिर्फ उसमें यू नो घोटाले के अलावा कुछ नहीं हुआ है। तो बेसिकली ये आपका टॉप क्वालिटी प्रोडक्ट है, और जो भी इसकी गारंटी वारंटीज हैं वो आपको मिलेंगी। एंड सो इसको कैनवस पे ले चलते हैं, वो आप देखिए। सो फ्रेंड्स इन द कार और मल्टीमीटर मोड, पिन नंबर 6, सो वी आर गेटिंग
स्कैन हाई पे नथिंग, की ऑन कर, ये देखो 2.5 वोल्ट स्टार्ट कर, तो ये कैन नेटवर्क है, अप डाउन ये चलेगा। क्या हम इसे ऑसिलो में चेक कर सकते हैं? टेक्निकली यस, करना ही ऑसिलो में चाहिए। ओके, तो इसका थ्रेशोल्ड हम ले लेते हैं एट 3 वोल्ट्स, 3 वोल्ट मैंने थ्रेशोल्ड लिया है। तो लेट मी सी कि ये क्या दिखा रहा है मेरे को। ये देखो, ये आपको कैन मैसेजेस आ रहे हैं। एंड लेट मी टेक इट टू इवन लेस, क्योंकि मैंने 5 मिलीसेकंड लिया है, तो मैं इसको 2 मिलीसेकंड, 1 मिलीसेकंड, 0.5 मिलीसेकंड, 2 मिलीसेकंड, 0.1 एंड 4 वोल्ट, लेट्स सी। अरे भाई कहाँ है? सो वी आर गेटिंग कैन मैसेजेस, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि लेट मी सी, इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल से इसको 1 मिलीसेकंड पे और 4 वोल्ट्स नहीं, इसको 3 वोल्ट्स पे लेते हैं, लेट सी क्या होता है। सो बेसिकली हमारे को टाइम अपने आप सेट करना है। ये देखो, सो वी गेटिंग दीज कैन मैसेजेस, ये कैन मैसेजेस हैं। एंड और अगर हम इसको और कम करते हैं, लेट मी टेक इट टू 2 वोल्ट्स, तो ये आप कैन मैसेजेस देख सकते हो हाई कैन पे और पिन नंबर 14 लो कैन पे, ये उल्टा हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसका जो पर्पस है, जो भी बंद करेगा गाड़ी को, जितने भी हमारे टेक्नीशियन भाई हैं जिनको बेसिकली एक ऐसा टूल चाहिए सस्ता सुंदर टिकाऊ, जो आपका बहुत सारा काम कर दे, आपको डिजिटल भी दिखा दे, एनालॉग भी दिखा दे, ड्यूटी साइकिल भी दिखा दे, फ्रीक्वेंसी भी दिखा दे, और आपका कुछ चीज़ें एक्चुएशंस भी कर दे, तो ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा टूल है, रियली नाइस, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है, एंड A1 क्वालिटी का है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये वो वाला टूल नहीं है जो सुनील कुमार जी ने दिया, ये FTS का दिया हुआ टूल है एंड अव्वल दर्जे की क्वालिटी का। सो फ्रेंड्स, वी विल कीप द वीडियो टिल हियर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नए साल में हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। जो लोग ये अनाप शनाप अफवाहें फैला रहे हैं कि थिंक टूल इंडिया को छोड़ गया है, थिंक कार इंडिया को छोड़ गया है, यू नो, तुम्हारे को फिर ईंट का जवाब बड़े मोटे पत्थरों से पड़ेगा मेरे दोस्त, ये काम करना छोड़। So till we meet again, this is Amit Ahuja, signing off, take care, bye-bye.